सुबह के 6 बजने वाले हैं इन जस्ट 5 मिनट्स. वी आर गोइंग फॉर अनदर सनराइज. टुडे इज आवर डिपार्चर डे फ्रॉम कन्याकुमारी. हेलो गाइस, सो एडिटिंग करते हुए मुझे पता चला कि वॉइस प्रॉपर नहीं आई है, सो आई हैव टू डू अ वॉइस ओवर ऑफ कन्याकुमारी व्लॉग. सॉरी फॉर दैट. मुझे वॉइस ओवर व्लॉग्स में करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिकॉज एक स्पॉन्टेनियस चीज़ आती है व्लॉग्स में, फिर वो नहीं आ पाती है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं. इट्स 6 AM इन द मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम कन्याकुमारी. टुडे इज़ आर लास्ट डे इन कन्याकुमारी, सो वी थॉट वाई नॉट टू एन्जॉय दिस डे, वाई नॉट टू स्टार्ट दिस डे विद ब्यूटिफुल सनराइज बाय द कन्याकुमारी बीच. सो हियर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द बीच नाउ. टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा, दिस इज एपिसोड 3 ऑफ आर तमिलनाडु सीरीज. अभी तक अगर आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है, देन गो एड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड बोथ द एपिसोड्स आर लिंक्ड इन द पिन कमेंट जस्ट इन केस इफ यू विश टू चेक. ऑल्सो जितने भी ट्रिप के बिहाइंड द सीन्स हैं, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फॉर यू टू चेक. आज है सैटरडे, आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड हुआ है एंड हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है. दैट इज़ वाई हमने जो भी रिकॉर्ड किया वो नहीं रिकॉर्ड हो पाया प्रॉपर, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर भी करना पड़ रहा है. टुडे इज़ अ क्लाउडी डे, आप यहाँ पे देख रहे हो बिल्कुल भी स्काई दिख नहीं रहा है. सो वी वर रियली स्केप्टिकल कि आज हमें सनराइज़ दिखेगा कि नहीं, और वही हुआ, आज हमें सनराइज़ नहीं दिखा. ऑल्सो आज सी बहुत ज़्यादा वॉयलेंट है, वेव्स काफ़ी ह्यूज हैं. क्लाउडी होने की वजह से हमें सनराइज़ तो प्रॉपर दिखा नहीं, सो ऑन फुट वी आर एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस कन्याकुमारी बीच. एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, आई थिंक सुबह के 6:30 या 7 बज रहे होंगे और कितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे. नाउ सिंस वीकेंड था और बहुत ज़्यादा रश था, सो हम बहुत जल्दी यहाँ से निकल भी गए, सिंस कोविड टाइम है एंड ज़्यादा क्राउड में नहीं रहना चाहिए. इन फ्रंट ऑफ मी यू कैन सी द त्रिवेणी संगम ऑल्सो. As you can see here, people are taking a dip at the Triveni Sangam itni morning mein with family and kids, aur subah kafi thanda bhi tha. Opposite to this place you can see the changing rooms and the drinking water is also available here. और इसी के साथ आप ऊपर की साइड जाएंगे तो यहाँ पे लोकल मार्केट हैं जहाँ लोकल स्ट्रीट वेंडर्स भी बैठे हुए हैं if you want to do any shopping from here. अगेन दिस इज़ अ गांधी मंडपम जो कि मैंने आपको एपिसोड 2 में भी दिखाया है, विच वॉज क्लोज्ड. एंड नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टूवर्ड्स द व्यू टावर. वन थिंग विच आई अप्रिशिएट अबाउट कन्याकुमारी इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द बीच. यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स इतने अच्छे से किए हुए हैं दैट यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम हियर. गोइंग टूवर्ड्स अ व्यू टावर, ये आप इसका ग्लिम्स देख सकते हो. हम ऊपर टावर के जाने वाले हैं. यहाँ पे एंट्री फीस है विच इज़ 15 rupees पर पर्सन. आई होप क्लोज ना हो, 7 बजे ही ओपन होता है, बट अभी पता नहीं खुला हुआ है नहीं खुला हुआ, और वीकेंड भी है. आज सी कुछ ज़्यादा ही वायलेंट है, हवा बहुत ज़्यादा तेज है. ये यहाँ पे सब ये शेल्स हैं जो आप देख रहे हो, ये सब शेल्स हैं. चलो व्यू टावर है तो व्यू टावर का व्यू दिखाते चलते हैं. ओह माय गॉड, लुक एट दैट, ब्यूटीफुल. हम जब से कन्याकुमारी आए हैं, फर्स्ट डे तो बहुत ही ज्यादा गर्मी थी, कल बारिश थी फुल डे, जो आपने देखा है विवेकानंद रॉक मेमोरियल में हम लोग भीग गए थे बिल्कुल. एंड आज मौसम इज वेरी प्लेजेंट, धूप नहीं निकली, सनराइज हम नहीं देख पाए, और हवा की आवाज बहुत ज्यादा तेज है. आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही, आई डोंट नो. We are on the top. नहीं, अभी नहीं और भी है.
खाना पीऊं। आपको सी के कलर में डिफरेंस पता चल रहा है तो नीचे कमेंट करना। यहाँ पे तीन सीज मीट होते हैं, उनका कॉन्फ्लुएंस है, संगम है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। सनराइज नहीं दिखा है बट वहां पे सन आ चुका है। सनराइज हमें दिखा नहीं आज, कल का सनराइज हमें बहुत अच्छा दिखा था, आपने टाइम लैप्स में देखा होगा। आज डे 3 है, आज हम रामेश्वरम निकलने वाले हैं। अब बस होटल जाएंगे, पैकअप करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू लीव। आज का हमारा और कोई भी प्रोग्राम नहीं है, जस्ट रामेश्वरम जाना है एंड वी विल टेक रेस्ट। गुड मॉर्निंग कर दो। मॉर्निंग गाइस, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी व्यू टावर पे कोई भी नहीं है तो हमने मास्क उतार दिया है, बट पीपल आर कमिंग। यहाँ पे बहुत सारी बसेस आई हुई हैं एंड पीछे का व्यू दिखा देती हूँ सी का। सब बोट्स अंदर सी में गई हुई है। दैट इज द तिरुवल्लुवर स्टैचू एंड द विवेकानंद रॉक मेमोरियल एज वेल एज द त्रिवेणी संगम ऑल्सो यू कैन सी। आउट ऑफ माई कार सनरूफ में इंजॉय कर रही हूँ वेदर। देखो एक काम तो जरूर होता है, मैंने भी किया है गोवा के बीच में, तो मैंने बहुत कुछ किया था यहाँ पे। ये देखो और बहुत सुंदर सुंदर मुझे शंख मिले हैं, शंख एज इन बहुत छोटे छोटे साइज के हैं, फुल शंख नहीं मिले। मैं बहुत ढूंढ रही थी, यहाँ पे बीच बहुत ज्यादा निकलते हैं, मुझे मिले नहीं, बट जितने मिले हैं छोटे छोटे वो बहुत अच्छे हैं। यू थैंक यू स्वाति। ये देखो एक तो ये मिला, ये देखो ये पैसा ले लो, 25 पैसा सेल लगी हुई है, 25 पैसा। This was the Airbnb Phoenix Holiday Home that we were staying in. अभी हम यहाँ पे अपना Geofy भूल गए हैं, so स्वाति फटाफट ऊपर जाके लेके आ रही है। हम रामेश्वरम के लिए निकल गए थे बट मुझे जल्दी याद आ गया कि रह गया है Geofy यहीं पे चार्जिंग पे। वैसे ये Airbnb काफी अच्छा है, क्लीन है, कम्फर्टेबल है, बेसिक है बट क्लीन कम्फर्टेबल है। वॉशरूम काफी छोटा है, हद से ज्यादा छोटा है एंड हमने यहाँ पे कुकिंग भी करी है, पूरा फुल सिलेंडर आपको अवेलेबल है, वाटर कैंस अवेलेबल होते हैं, सो हमें कुकिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने अपना फुल फ्लेज कुकिंग करी है। आपको पता है कि हम अभी बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं एंड यहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड हुआ है। दोनों दिन सेम ब्रेकफास्ट था, इडली वड़ा एंड पूरी आलू। सो स्वाति यहाँ पे Geofy ले आई है, ठीक है स्वाति, ये रहा, सही टाइम पे याद आ गया ना। एंड ये वाला जो Airbnb था हमें काफी कंफर्टेबल रेट पे भी पड़ा है, इकोनॉमिकल था। एसी है, गीजर है, सब कुछ है, बाकी कुछ एक दो कॉकरोचेस का प्रॉब्लम आया था किचन में, कॉकरोचेस थे एंड एंट्स थी, बहुत छोटी छोटी एंट्स होती हैं वो थी। बाथरूम काफी छोटा था, बस यही इश्यूज है, अदरवाइज इट वाज कंफर्टेबल। टॉयलेट में जो जेट होता है दैट डिडंट हैड मच प्रेशर, बस यही इश्यूज है।
नहीं चीज नहीं है, पता होना चाहिए लोगों को। बहुत एक माइन्यूट सी चीज गौरव बताने वाले हैं। गौरव क्या है यार? ऐसा है देखो भाई, टॉयलेट जो होती है थोड़ा, सब जाते हैं सब जाते हैं, शर्म की बात नहीं है, बट हम बता दें। हाँ, तो ये है कि टॉयलेट की जो सीट पे जो जेटी लगा होता है ना, वो जेट में प्रेशर ही नहीं था। सो बस बस काफी है, ठीक है, प्रेशर नहीं था और हम नहीं बता रहे, बस इतना सा बच्चा। बाकी इस बार हमने कोई लेजर ट्रिप या कुछ बड़े होटल्स बुक नहीं किए हैं, बिकॉज घूमने वाला पूरा ट्रिप है, हम ज्यादा टाइम होटल्स में रुकने नहीं वाले, जस्ट वी हैव टू स्पेंड द नाइट एंड कुक। ऑल्सो होटल्स में आप कुक नहीं कर पाओगे, सो इसलिए हम एयरबीएनबी प्रेफर कर रहे हैं और हम सब कुछ साथ लेकर चल रहे हैं। अभी हम रामेश्वरम के लिए निकल चुके हैं, शाम तक रामेश्वरम पहुंच जाएंगे, सो तभी मिलते हैं एंड वहाँ का होटल भी दिखा देते हैं। वहाँ हमें एयरबीएनबी नहीं मिला, सो हम वहाँ पे होटल में ही रुक रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। हमारा बाहर का खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। गौरव ने अभी गाड़ी वॉश करवाई है एंड नाइट्रोजन रीफिल करवा रहे हैं, कुछ टायर में प्रेशर कम लग रहा है सो रीफिल करवा रहे हैं। हम यहाँ खड़े मस्ती कर रहे हैं। कल रात को हम जाके विवेकानंद रॉक मेमोरियल की वीडियोस देख रहे थे जो हमने शूट करी हैं, एंड ट्रस्ट मी, बारिश हो गई, वी वर क्रिबिंग एट दैट टाइम, बट वाज नॉट क्रिब, इट वाज लाइक कि क्लाउडी है, सनराइज नहीं दिख पाएगा, प्रॉपर सनराइज नहीं दिखा, बट हाँ झलक मिल गई थी कन्याकुमारी में। कैसे विवेकानंद रॉक म्यूजियम पे गए, वहाँ पे बारिश हो रही थी और बहुत नज़ारा, राइट, बिकॉज समुंदर था, आप एक पूरे समुंदर के बीच में हो एंड इट वॉज लाइक अ गुड फीलिंग। कल का जो एक्सपीरियंस था ना, वो थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। धूप तो हर जगह होती है, साउथ में आए हो तो साउथ में धूप मिलेगी अच्छी खासी, बट इन अ वे इट वाज गुड आल्सो बिकॉज़ आई थिंक कल मौसम अच्छा हो गया, इसीलिए हम एंजॉय भी बहुत कर पाए, काफी स्वेट नहीं हुआ। आई थिंक अगर वो भी होता तो हम इरिटेट हो जाते एट द पॉइंट, बिकॉज साउथ में स्पेसिफिकली तमिलनाडु में ह्यूमिडिटी लेवल बहुत हाई रहता है। सबने हमारा साथ दिया, हमको सनराइज भी मिला, हमको सनसेट भी मिला, हमको बारिश भी मिली। आज भी हम जा रहे हैं तो हमको बहुत अच्छी हवा मिल रही है, सो दैट हम हाईवे भी एंजॉय कर पाए। एंड टुडे वी आर नॉट गोइंग टू यूज द एसी, हम नेचुरल हवा खाने वाले हैं। हाँ, तो एसी मतलब हमारी पेट्रोल की भी तो बचत थी। एंड ये मेरे रोज प्लांट पड़े हैं मेरे पास ही। अनयूजुअल शॉपिंग करी है इस बारी मैंने, गोइंग टूवर्ड्स वटाकोटाई फोर्ट। फोर्ट बहुत ही छोटा है, बट इसका जो रूट है देखो यार, कितना सुंदर सीनिक रूट है, और जब मौसम अच्छा हो, ठंडा हो, तो और भी अच्छा है। जिसने भी कहा है बट सही कहा है, रास्ते का मजा लो, डेस्टिनेशन पे पहुंच के वो मजा नहीं आता जो रास्ते का मजा होता है। और स्वाति जी, हमने क्या बोला है, कैसी बात बोली हमने, अच्छी बोली, आजकल ये बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रही है, जैसे घर में दिल बसता है। लाइक करो, ठोको लाइक, लोगो ठोको ठोको, लाइक ठोको और सब्सक्राइब भी ठोको। बारिश हो गई। मैंने इतनी अच्छी बात बोल दी कि बारिश हो गई है। गौरव, तेरी गाड़ी धुलवाने का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, बारिश हो गई, 500 रुपए गए। चलो कोई नहीं, एक सेटिस्फेक्शन होती है, कुछ तो साफ है। हाँ, गाड़ी साफ सुथरी में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम जब कन्याकुमारी आ रहे थे उस टाइम भी हाईवे पे फुल बारिश थी, आपने देखा होगा कि 350 किलोमीटर मैंने सिर्फ बारिश में चलाया रात को, सो उस टाइम भी बहुत बारिश थी और गाड़ी बहुत गंदी हो चुकी थी। व्यू देखो यार, जरा कितना सीनिक व्यू है। आपको थोड़ा रामेश्वरम का रूट दिखा दिया जाए, सो हम अभी कन्याकुमारी से निकल चुके हैं एंड दिस इज द स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे है। ओके, ये नेशनल हाईवे है, विंड मिल से भरा हुआ है, अभी पीछे विंड मिल्स गई हैं यहाँ पे। ये सेम वही रूट है जो वटाकोटाई फोर्ट के लिए निकलता है, ये सेम वही रूट है। आप सामने भी एक विंड मिल देख रहे हो, वो विंड मिल है, रुकी हुई है अभी, मैंने रोक दिया। ओके, उसको गौरव ने रोक दिया, कितना पावरफुल है ना, सुपरमैन, ई मैन है, ई मैन। गौरव को कुछ ज्यादा ही मस्ती चढ़ गई है, कुछ सडन थ्रस्ट दिया इन्होंने। भाई मैं सोच रही थी इंस्टाग्राम पे फोटोज डालने का, स्टोरीज डालने का एक्चुअली, और जो रूट जरा देखो यार, रूट देख लो जरा, और इतना सुंदर रूट है कि काम ही नहीं हो पा रहा है, आंखें हटाने का मन ही नहीं कर रहा। हमारी गलती नहीं है अगर आप स्टोरीज नहीं देख पा रहे हो, आप क्यों नहीं देख रहे हो ये बताओ, और अगर नहीं देख रहे हो तो क्यों नहीं देख रहे हो वो भी बता दो। ये देखो जरा, ओ भाई साहब, दिस इज कॉल्ड, ओहो हो,
मैसिव। मुझे तो समझ नहीं आ रहा यहाँ पे मैं सीधा देखूँ या साइड में देखूँ, सारी जगह इतना सुंदर लग रहा है देखने में। The land of wind chimes. एक ही बात है, जब उसके नीचे जाते हो ना तो आवाज आती है सुर सुर। कब आती है सुर आवाज? उसके नीचे जाओ खड़े हो गए। किसके नीचे जाओगे? विंडमिल के नीचे कभी खड़े हुए हो? मैं हुआ हूँ। आप हुए हो? कब कहाँ हुए हो? मैंने महाराष्ट्र में एक जगह है सतारा करके, वहाँ तो हमें अभी खड़ा करा तो जाओ खड़े हो। ये फुल एरिया विंड मिल से भरा हुआ है, फुल एरिया। आपने अगर विंड मिल का मजा लेना है तो आप आइए यहाँ पे, आ जाओ कन्याकुमारी, आ जाओ, सब कुछ मिल जाएगा, बीच भी मिल जाएगा, धूप भी मिल जाएगी, पहाड़ भी मिल जाएगा, पहाड़ भी मिल जाएंगे, सब कुछ कन्याकुमारी में ही है। ब्रेकफास्ट में हमें जो इडलियां मिली थी वो बच गई थी, सो हमने उनको ऐसे राई के साथ चमक लिया है। दीज आर द पर्क्स ऑफ हैविंग अ किचन इन एयरबीएनबी, और वो भी बर्गिंग किचन, वी आर मंचिंग इट ऑन द गो, जो कि स्वाति जैन ने बनाई है, प्लीज मेंशन। हम चाय भी बना के लाए हैं जो कि यहाँ पे पड़ी है, और जिसका सिपर स्वाति का यूज किया गया। कौन है वो? स्वाति का यूज किया गया जो कि फेसबुक की है। फुल ऑन बारिश शुरू हो चुकी है, तेज बारिश, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा। यार बारिश के और कौन कौन से गाने, बारिश के गाने लगा दो। कुछ भी बोलो, श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे NH 44 जो है, ये दिखाती हूँ मैं, NH 44 जो है बड़ा सुंदर यार, और बारिश में तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। मैप्स पे भरोसा कैसे करो यार, ये देखो कितने गंदे रास्ते से अंदर से निकाल के लेके आई है मैं। हल से हवा लगती है, हम तो हवा मारेंगे। कौन से और कहां से? अब यही होगा, खाना खाया तो उसके बाद हाय गंद। लेकिन ये तो सही है ना कि मतलब रामेश्वरम जा रहे हैं, वैसे ही भी मेरा कन्याकुमारी से आने का तो मन था। हाँ तेरी वजह से ही हुआ है कैंसिल, मतलब मेरा बिल्कुल मन नहीं कन्याकुमारी से आने। और मुझे धनुषकोडी इतने सालों से, मतलब दो चीजें हैं, चलो कन्याकुमारी हो गया, धनुषकोडी अभी भी रह गया मेरा। धनुषकोडी तो मुझे भी करना ही था, बट अब जा रहे हैं मथुरा। ये अंदर का कोई स्टेट हाईवे इसने पकड़ लिया है, एंड हमारा फोन वहाँ पे रोल रहा है बेचारा। ओहो संभल के भाई, मेरे गुलाब है यहाँ पे। वैसे ऐसा किसी ने कभी कुछ किया है कि आप किसी और स्टेट से कुछ लेके आ रहे हो ऐसे प्लांट्स टाइप? अगर किसी ने कुछ ऐसा किया है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको हमने ना एयरबीएनबी में कन्याकुमारी में बालकनी में रख दिया था, एंड जब सुबह बालकनी का दरवाजा खोला, जो रोजेस की फ्रेश खुशबू आई है इनमें से, जबकि अभी छोटे हैं, सिर्फ इसमें दो रोजेस हैं और उसमें तो एक ही है। हमारी लेमनेड, स्वाति ने स्प्राइट खोली हुई है, इसमें है नींबू और क्या है काला नमक, गौरव इज ऑलरेडी हैविंग दैट। ऑन द रोड बिंज ईटिंग, क्या खा रहे हैं हम? दोनों आप भी खाओगे? पूछ लो, खा लो खा लो, दोनों थोड़ा चखना है। और अभी तुम दोनों ने क्या किया है? हमने पिया है। क्या पिया है? कोल्ड ड्रिंक, हमने कोल्ड ड्रिंक में नींबू डाला, काला नमक डाला, और उसके बाद क्या कर रहे हो? चपना खा रहे। दोनों पागल हो गए हैं। कोरोना टाइम में खाना ऐसे बन रहा है। हम रेडी टू ईट लेके आए हुए हैं, ये ITC की पाव भाजी है, गर्म पानी में इसको 5 मिनट रखना है, देन इट विल बी रेडी। डिस्पोजेबल हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, एंड पाव भाजी का सारा सामान रखा हुआ है, वहाँ पे पाव है वो भी हो जाएगा, छोटी सी कढ़ाई और बर्तन हम लेके आए हुए हैं, और भी कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, बट यहाँ पे हमने वन नाइट रहना है, सो हमने उन चीज़ों को अलग बैग में डाल के यहाँ रूम में ले आए हैं। ऐसा देखो क्या हुआ है, बहुत बड़ा पोपट हो गया मेरे से।
और मुझे लग ही रहा था।